भाइयों बहनों दोस्तों और साथियों, आज मैं सिर्फ आपके साथ में हेल्थ के टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मेरे सामने लाए गए हैं। आज मैं आपसे पांच टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। एक है जो जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव आया हुआ है उनका इलाज दक्षिण मुंबई में कहाँ होगा। दूसरा है कि नॉन कोविड पेशेंट जिनको कोविड के कोई सिम्टम नहीं है, जिसको अलग अलग तरह की बीमारियाँ हैं, उनका इलाज कौन से हॉस्पिटल में और कैसे होगा। तीसरा, हमारी बहनों के लिए जो मैटरनिटी का जो वार्ड्स है वो कोविड और नॉन कोविड के लिए कहाँ कहाँ हो गए। चौथा जो है डायलिसिस का जो इश्यूज़ है उसको किस तरह से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और पांचवा है कि जो हमारे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं और फीवर क्लिनिक है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत मेहनत करके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी तैयार कर रही है, वॉर फुटिंग पे तैयार कर रही है। महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग्स हो रहे हैं, उसके वजह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कोरोना पॉजिटिव का फिगर बड़ा है। गवर्नमेंट, मुंबई महानगर पालिका दोनों मिल के महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। आज कोविड पेशेंट की अगर बात करते तो दक्षिण मुंबई में नायर हॉस्पिटल जो है मुंबई सेंट्रल के अंदर, वो फुल्ली कोविड पेशेंट्स के लिए किया गया है और उसके अंदर तकरीबन आज 300 बेड है। आने वाले दिनों में उसको 1000 बेड तक ले जाने का प्रयास चालू है। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल जो है, जो वीटी की तरफ है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पीछे, वहाँ पर क्रिटिकल केयर कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा। आने वाले दिनों में वहाँ पर तकरीबन 100 ICU बेड्स वहाँ पर तैयार किए जाएंगे। इसके साथ साथ में GT और कामा हॉस्पिटल है, उसमें भी कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा। ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है जहाँ सिर्फ कोविड पेशेंट को ही ट्रीट किया जाएगा, नायर, सेंट जॉर्ज, GT एंड कामा। इसके अलावा दक्षिण मुंबई के अंदर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है। सैफी हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, वॉकहार्ड में कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, जसलोक में कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, ब्रिजकैंडी में कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है। तो जो लोग के घर में, पड़ोस में, बिल्डिंग में, मोहल्ले में, सोसाइटीज़ में अगर कोविड पेशेंट आते हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, तो उनको इन हॉस्पिटलों में ले जाके ट्रीट करना चाहिए, ना ही कोई दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। सेकंड, जो हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में जो थोड़ी समस्या हमको देखने मिली कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही थी एडमिशन के लिए। आज मेरी सुबह ही सुबह जो मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर है परवीन परदेसी साहब, उनसे बात हुई, डॉक्टर लाहने से, डॉक्टर संजय ओक से, और बाद में एक पुलिस, एक डेलीगेशन मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी मिला इसके ऊपर। हमने आज जो मेरी पर्सनल जो बात हुई है मुंबई के पुलिस कमिश्नर से और मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर प्रवीण परदेसी जी से, उन्होंने मुझको क्लियर बताया है कि JJ हॉस्पिटल के अंदर, जो JJ हॉस्पिटल है उसके अंदर कोविड छोड़ करके जो भी मेडिकल इमरजेंसीज है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर होगा। तो कोई भी पेशेंट अगर उसको कोविड पॉजिटिव नहीं है तो वो JJ हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। सेकंड है KEM, थर्ड है साइन हॉस्पिटल। ये तीन हॉस्पिटल गवर्नमेंट के जो है जो नॉन कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। तो मेहरबानी करके अगर कोविड के सिम्टम्स ना हैं तो इन हॉस्पिटलों में ही जाए, ना ही नायर हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि नायर हॉस्पिटल सिर्फ कोविड के पेशेंट को ट्रीट करता है। थर्ड थिंग जो हम बात कर रहे हैं कि मैटरनिटी होम्स की, पिछले दिनों में हमारी बहुत सारी बहनों को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा था। कोविड और नॉन कोविड, गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि 34 वीक्स में जो भी प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्टेड है, उनको कोविड का टेस्ट कराना है। वो कोविड के टेस्ट के बाद में अगर कोविड पॉजिटिव अगर हो जाते हैं तो उनके लिए नायर हॉस्पिटल में स्पेशल 2 वार्ड मुंबई महानगर पालिका ने बनाए हैं कि वहाँ पर मैटरनिटी वार्ड्स होगी और वहाँ पर डिलीवरी की जाएगी। इसके अलावा क्योंकि वो वार्ड बहुत फास्ट फीलिंग हो रहे हैं, आज जब हमारी मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर से बात हुई तो उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया, वादा किया है कि आने वाले दिनों में वाडिया हॉस्पिटल के अंदर भी कोविड पॉजिटिव एक्सपेक्टेड मदर्स का वहाँ पर भी डिलीवरी करवाई जाएगी। तो ये मैटरनिटी का जो इशू है देट इज़ ऑल्सो तकरीबन सॉर्टेड आउट। फोर्थ थिंग है डायलिसिस का, जो बहुत सारे डायलिसिस सेंटर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट आने की वजह से उनके स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया था, तो डायलिसिस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। अब नए गाइडलाइंस के ऊपर उन सेंटरों को 14 दिन के लिए बंद नहीं किया जाएगा, उनको एक दिन के अंदर फिर से चालू किया जाएगा, जो भी सैनिटाइजेशन का काम है वहाँ पर करके। तो डायलिसिस का भी बहुत हद तक
प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब फिफ्थ और बहुत जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है कि हमारे एरिया के अंदर जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, मेरी बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर से बात हुई है और उन्होंने अपना क्लिनिक खोल के रखा है। कुछ लोग हैं जो थोड़े कंसर्न थे अपने क्लिनिक खोलने के लिए, उन्होंने भी हमको वादा किया है कि वो आने वाले दिनों में वो अपना क्लिनिक खोलेंगे और जो लोग नॉर्मल आते हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे। जो फीवर क्लिनिक्स हैं जो मुंबई महानगर पालिका की ओर से हम करते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में और मुंबई में बहुत जगह पे फीवर क्लिनिक खोले जा रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपकी तबीयत थोड़ी भी ठीक नहीं है और आपको बिल्कुल अगर ऐसा लगता है, या तो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाइए या तो आप जो फीवर क्लिनिक में जाकर अपने आप को चेक कराइए। इसका टेस्ट कराने से आप बिल्कुल ना कतराए, बिल्कुल ना घबराए। ये इसके अंदर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, अगर सिम्टोमेटिक है तो भी और एसिम्टोमेटिक है तो भी, क्योंकि ये आप जानते हो कि बहुत वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरस इज वेरी वायरल, बहुत ज़ोर से फैलता है। तो मेहरबानी करके आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए ताकि आप सेफ रहे, आपका परिवार सेफ रहे, आपके पड़ोस के लोग सेफ रहे। मुझको पूरी उम्मीद है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई महानगर पालिका जिस वॉर फुटिंग पे हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए, आने वाले दिनों में आपको कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ रहेगी कि हम सब इस कोविड से सेफ रहें। मुझको बड़ी खुशी है कि मैंने जो पहले आप लोगों से कहा था, आप लोग अपने घरों में हैं, घरों में सुरक्षित हैं और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करते हैं, आने वाले दिनों में भी आपका सहयोग गवर्नमेंट के साथ में रहेगा इस कोरोना की जंग में। थैंक यू वेरी मच।